गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी अनदर टॉपिक मोस्ट टॉपिक इन फूड सिक्योरिटी दैट लास्ट चैप्टर वी हैड पेंडिंग वन टॉपिक दैट इज है बफर सिस्टम नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड वॉट द एक्चुअली मीनिंग ऑफ द बफर सिस्टम इन अवर इकनॉमी ठीक है अब लास्ट लेक्चर में हमने काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी कि फूड सिक्योरिटी इज डिपेंड अपॉन पब्लिक पब्लिक सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड पब्लिक डिपॉजिट एंड अनदर बफर सिस्टम इट इज टू डायमेंशन विच इज़ बेस्ड ऑन द फूड सिक्योरिटी फूड सिक्योरिटी अल्टीमेटली इट मीन्स दैट फूड सिक्योरिटी इज बेस्ड ऑन टू दैट डायमेंशन ठीक है तो अब हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे बफर स्टॉक uh, के बारे में कि वॉट इज द बफर स्टॉक तो सबसे पहले स्टॉक ऑफ द फूड ग्रेन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है स्टॉक ऑफ द फूड ग्रेन से अब इसके अंदर तीन चीज़ हाउ वेयर एंड हु मतलब कैसे की जाए कहाँ की जाए और कौन करेगा ठीक है तो ये चीज़ें आती हैं तो अब इसके अंदर में समझना है कि ये बफर का मतलब क्या होता है कि एक गैप जो चीज़ों के बीच में जो गैप होता है उसको रिड्यूस करना वो कहते हैं तो रिड्यूस स्टॉक तो का जो गैप है डिफरेंस है ठीक है कहीं पे ज़्यादा किसी कम तो उस चीज़ को ख़त्म करने का मतलब होता है बफर एंड स्टॉक तो आप जानते हैं कि क्या होता है द स्टॉक ऑफ द फूड ग्रेन यहाँ बात करेंगे और अकॉर्डिंग टू द कौन ये करता है तो हम लोग बात करते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तो ये क्या करते है? इनका काम होता है जिसे कहते हैं एफ़ सी आई ये एक नंबर में पूछा जा सकता है कि एफ सी आई का फुल फॉर्म क्या है ठीक है तो आ, पिक्योर फॉर द फूड ग्रीन वीट एंड राइस फ्रॉम द फार्मर्स सर सरप्लस प्रोडक्ट मतलब क्या होता है कि इनका काम होता है कि इनका इनको पिक्योर करना मतलब कि रिज़र्व कर लेना फूड ग्रीन को किससे फार्मर से ठीक इसका वीट ऑफ राइस का जो एसेंशियल फॉर लिविंग है उसको फार्मर्स लेकर के रिजर्व कर देना ठीक है ठीक है और सरप्लस प्रोडक्ट को जो भी सरप्लस होता है मतलब कहने का कि भाई फार्मर जिन्होंने ग्रो किया है वो अपने लिए निकाल लें जो उनको खाने के लिए जितना भी है वो सब निकाल लें ठीक है थोड़ा तो बहुत बेचने के लिए निकाल लें उसके बाद जो बच जाए वो चीज़ें जो होती है गवर्नमेंट उनसे एक रेट पर ख़रीद लेती है ठीक है और वो जो जिम्मेदारी होती है वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की होती है ठीक फिर यह लिखा हुआ है ऑन द प्री अनाउंसमेंट प्राइस मिनिमम सपोर्ट प्राइस एम एम एस पी जिसपे गवर्नमेंट क्या करती है उस फ्लोट ग्राउंड जितना मतलब कि उन्होंने अपने लिए निकाल लिया खाने के लिए और एक्स्ट्रा जितना हो गया मैं पूरा तो खा नहीं जाऊँगी जो एक्स्ट्रा है उसे गवर्नमेंट को एक मिनिमम जो होता है सपोर्ट प्राइस जिसे एम एस पी कहते हैं उस पर गवर्नमेंट क्या कहती है कि हमें बेच दो ठीक है अगर तुम्हारा मतलब कि इतना तो भाई मिलना ही मिलना है मतलब गवर्नमेंट ने एक प्राइस फिक्स कर दिया मिनिमम अनाउंसमेंट प्राइस है कि भाई इतने में तो जाएगा कोई ज्यादा देगा तो जाके ले जाएंगे ठीक है ये चीजें रहती है परचेज अ फूड ग्रेन आर स्टोर इन द दैररीज तो मतलब क्या हुआ कि जो फूड होती है वो बाद में ग्रैनरीज में जो होती है वो हम लोग क्या करते हैं उसको सेव कर लेते हैं तो ये फूड ऑफर सिस्टम का सिस्टम होता है कि गवर्नमेंट होती है किसान होता है किसान से जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता है उसको गवर्नमेंट एक एम प्राइस पर जो होती है एम प्राइस पर जो होता है वो ख़रीद लेती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर ख़रीद लेती है उसके बाद उसको स्टोर कर लेती है ठीक है उसके बाद बट वाई बफर सिस्टम आर क्रिएटेड क्यों ऐसा किया जाता है क्वेश्चन अराइज होता है तो द फूड ग्रेन इन अ स्टॉक आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू एरिया टू एरिया एंड स्टेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूट किया जाए जहां पर पहले को रिजर्व करने के बाद गवर्नमेंट इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उस एरिया में जो पुअर स्टेट है सोसाइटी का ठीक है ठीक है? है तो पूरा स्ट्रेट ऑफ द सोसाइटी मतलब कि जहाँ पूरा स्ट्रेट है जहाँ पर उसको वहाँ पर वो चीज़ों को पहुँचा सके तो शुरुआत में उन्होंने फ़ूड सिक्योरिटी में ये चीज़ पढ़ी थी कि भाई फ़ूड सिक्योरिटी में क्या होता है कि अवेलेबिलिटी कराना फ़ूड को उसके बाद एक्सेसिबिलिटी कराना ठीक है तो ये सब चीज़ें और अफोर्डेबल क्रिएट करना तो ये सारी चीज़ें हैं कि आसानी से फूड को प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो वफ़र सिस्टम के थ्रू गवर्नमेंट फूड को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करती उन एरियो में जहाँ पर कमी है गरीब तक का ज़्यादा है ठीक है तो इस सोसाइटी वहां पे करती है और कैसे करती है द फूड ग्रेन आर सोल्ड एट द प्राइस मच लोअर देन द मार्केट प्राइस मतलब किसानों से उन्होंने एक प्राइस पे ले लिया अब उसको उस प्राइस से भी कम प्राइस पे उन जगह पे जाकर के बेचती है जहाँ पर उसकी हाई रिक्वायरमेंट होती है डेफिशिएंसी जहाँ पे फूड की होती है वहाँ पे वो गवर्नमेंट को बेचती है जैसे कंट्रोल कंट्रोल देखो राशन कितने सस्ते मिलते हैं ठीक है गरीब लोगों को जिनके पास बी ठीक है तो वो आधार राशन कार्ड होता है उनको वहाँ पर वो अपना अनाज ले सकते हैं महीने भर का ठीक है तो इस इशू प्राइस पर तो वाई गवर्नमेंट डू डू सो ऐसा क्यों करती है गवर्नमेंट एक सवाल ये भी होता है तो रिमूव द पॉवर्टी प्रावर्ट, को रिमूव करने के लिए कम करने के लिए रिड्यूस करने के लिए ऐसा गवर्नमेंट करती है ठीक है तो ये हमारा एक बफर सिस्टम के बारे में एक्सप्लेनेशन था कल हम लोग जो पढ़ेंगे पब्लिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे पब्लिक सिस्टम कैसे कॉपरेट करता है फूड सिक्योरिटी में हेल्प करने में ठीक है थैंक यू क्लास